आज हम कुकर में दही जमाएंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट में। दही तो हम डेली में खाते हैं और जमाते भी हैं, लेकिन कभी दही खाने का मन हो, दही घर में ना हो, लाने वाला भी ना हो, तो आप इस तरीके से दही कुकर में जमा सकते हैं। और इस तरीके से बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया दही जम करके तैयार होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और ये नॉर्मल दूध है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। मेरे यहाँ पर बॉयल दूध है, मैं इसको एक बार और बॉयल करती हूँ। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए इसे लगातार चलाते हुए हमने बॉईल कर लिया है और ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। इसे हम करीब 5-7 मिनट चलाएंगे, उसको बॉईल करेंगे, जिससे हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए, क्योंकि हमारा जितना दूध अच्छी तरीके से उबला हुआ होगा हमारा दही भी उतना ही अच्छा बनेगा। और आप इस प्रोसेस को नॉर्मल दही जमाने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और गाढ़ा दही जम करके तैयार होता है। अच्छे से दूध बॉईल होने के बाद अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको नॉर्मली ठंडा होने देते हैं। और जब हमारा दूध ठंडा हो जाएगा तब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब देखिए हमारा दूध ठंडा हो गया है, यानी ये गुनगुना सा है। आप अगर उंगली से चेक करें तो ये देखने में बिल्कुल गुनगुना है, गर्म नहीं है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, एकदम से दूध ठंडा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और आज मैं दोनों तरीके से दही जमाऊंगी, नॉर्मल तरीके से और कुकर में भी। तो देखिए फ़र्क आप देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कुकर में जमाया हुआ है और ये नॉर्मल तरीके से जमाया है। अब हम 2 छोटी चम्मच करीब दही लेंगे और उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके मिलाएंगे, और 1-1 चम्मच हम दोनों तीनों बर्तनों में डाल देंगे। ये मिट्टी का बर्तन है, इसको मैं कुकर में जमाऊंगी इसका दही, और ये है मैं नॉर्मल जमाऊंगी। तो सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, बचा हुआ दही मैं कढ़ाई में मिला दूंगी। तो सबसे पहले हम जो बर्तन है इसमें हमने थोड़ा सा दही डाला है, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, जिससे जो जमाने वाला दही जो हमने डाला है ना, वो चारों तरफ इस बर्तन में लग जाए। मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ दही बहुत ही सुंदर लगता है खाने में, और सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो इसका दही का टेस्ट एकदम से अलग ही होता है। मेरे पास मिट्टी का कुल्लड़ था तो मैं इसमें जमा रही हूँ, और ये 2 बर्तन हैं इनमें भी जमा रही हूँ। अब हम इन बर्तनों में दूध को हम भर देंगे। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन हों तो आप डेली में भी दही जमा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने 3 बर्तनों को भर दिया है दूध से। अब हम इनको फॉल पेपर से ढक देंगे 3 बर्तनों को। आप चाहें तो इनको कटोरी से भी ढक सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से इनको फॉल पेपर से कवर कर दिया है, और इस कुल्लड़ को मैं कुकर में जमाऊंगी इसका दही, और बाकी के 2 को मैं ऐसे ही सादा गर्म जगह पर रख दूंगी जिससे दही जम जाए। अब हम लेंगे कुकर और इसमें डालेंगे हम 2 गिलास करीब पानी। आप चाहें तो इस प्रोसेस को कढ़ाई में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुकर में जमा रही हूँ ना, इसलिए मैंने कुल्लड़ लिया है जिससे अच्छी तरीके से ये कवर हो जाए इसमें। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे कुकर का। जब कभी आपको दही इंस्टेंट जमाना हो या फिर आपको जल्दी ज़रूरत हो तो आप ये वाली प्रोसेस अपना सकते हैं। अब हम इसकी जो सीटी है उसको हटा देंगे और इसको करीब 10 मिनट हम पकने देंगे धीमी आंच पर। और करीब 10 मिनट बाद हम कुकर को खोलेंगे और इस बर्तन को निकाल करके हम बाहर रख देंगे। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, तब हम इसको खोलेंगे। अब देखिए ये बर्तन पूरी तरीके से नॉर्मल ठंडा हो चुका है, एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब हम इसको खोल कर देखते हैं। देखिए हमारा पूरी तरीके से परफेक्ट दही जम चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए एकदम से गाढ़ा दही जमा है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। कोई बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इंस्टेंट 10-15 मिनट में जमा है। अभी मैं आपको और भी दही जो जमाए हैं वो भी दिखाती हूँ। देखिए ये जो हमने सादा तरीके से जमाया है ऐसे ही रख करके रूम टेम्परेचर पर, बस हमने थोड़ा सा गर्म स्थान पर इसको रख दिया। जब आपको कभी दही जमाना हो गर्म स्थान पर रख दें, तो देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट जमा है, और इस कटोरी का भी एकदम से परफेक्ट जमा है, आप देख सकते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको खोल करके। देखिए ये कटोरी का दही भी एकदम से परफेक्ट जमा है, आप देख सकते हैं। और जैसा इन कटोरी का और बर्तन का जमा है ना, बिल्कुल वैसे ही कुकर में जो हमने मिट्टी के बर्तन में जमा है वो भी बिल्कुल वैसे ही जमा है। तो आप इस तरीके से कुकर में बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके का दही जमा सकते हैं। कभी आपको आवश्यकता हो इंस्टेंट जमाना हो तो आप इस तरीके से अपना सकते हैं इस वाली प्रोसेस को।
देखिए दही कितना गाढ़ा जमा है, देखिए आप देख सकते हैं एकदम से गाढ़ा और एकदम परफेक्ट दही जमा है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कुकर में जो जमाया है मैंने बर्तन का, उसका भी है, कोई अंतर नहीं है और बहुत ही बढ़िया जमा है। मैं अभी आपको इसका भी दिखाती हूँ। देखिए ये कुकर में जमाया है ना, देखिए ये भी कितना बढ़िया जमा है। अभी इसको भी मैं दिखाती हूँ आपको चम्मच से निकाल करके, बहुत ही बढ़िया जमा है एकदम से। और इसकी खुशबू और इसका टेस्ट भी ना इतना बढ़िया लगता है कि आप खाएंगे तब आप खुद तारीफ़ करेंगे। तो देखिए आप इस तरीके से लेकर के देख सकते हैं, एकदम से परफेक्ट दही जमा है। तो आप इस तरीके से कुकर में इंस्टेंट दही जमाइए, खाइए और खिलाइए। अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती है नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।